सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि YouTube पे अगर हम लोग अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग को दो प्रक्रिया मिलता है, जो कि सबसे पहले कि 1000 सब्सक्राइबर हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है, और दूसरा जो कि हम लोग को 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद हम लोग का YouTube चैनल मोनेटाइजेशन होता है, उसके बाद हम लोग अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग अपनी मतलब कि वॉच टाइम इंक्रीज करना है, कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन पर आकर बताते हैं कैसे हम लोग को वॉच टाइम कंप्लीट करना है, जो कि उसके बाद हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को सब्सक्राइबर कंप्लीट करना बहुत आसान होता है, हम लोग अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग को वॉच टाइम का बात आता है तो वॉच टाइम बहुत टाइम लग जाता है इंक्रीज करने में, यानी कि अपने वॉच टाइम 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे मतलब कि बहुत ही इजी तरह से, बहुत ही आसान तरीके से अपने वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो, वॉच टाइम बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास नेट अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, तो आप चाहो तो 2-4 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करोगे, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कैसे आपको वॉच टाइम इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपल से करना क्या, आपको दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, बाकी एप्लीकेशन का नाम लिया भाई आप लोगों को मन में डाउट जरूर आएगा कि राम रे भाई क्या एप्लीकेशन से हम लोग चैनल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर कोई प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो सिंपल सब करना है कि आपको दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, जो कि सबसे पहले आपको सिक्योर वीपीएन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो वीपीएन, और यहाँ पे देख सकते हो मल्टी व्यू ब्राउजर करके आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीपीएन लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पे वीपीएन आपको आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, वीपीएन यहाँ पे दिख जाएगा, मल्टी व्यू ब्राउजर करके। तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन का लोगो देख लीजिए, दोनों एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि सबसे पहले आपको वीपीएन ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं वीपीएन को ओपन करता हूँ, वीपीएन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना भाई, अगर आप लोग गलती करोगे ना तो भाई आपका चैनल पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं आप लोग बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, कोई वीडियो आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि आधा अधूरा देखने से, आधा अधूरा काम कुछ सीखने से हो सकता है आपका नुकसान भी हो सकता है, हो सकता है आपका फायदा भी हो सकता है। कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फ्री सर्वर ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आप वीपीएन जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने पर आपको क्या करना है, सिंपल से बैक आ जाना, ठीक है। तो बैक होने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, मल्टी व्यू ब्राउजर एप्लीकेशन जो है सिंपल आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने पहले आपको क्या करना क्या है, आपको एप्लीकेशन ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, आपको आना है अपने YouTube चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं YouTube चैनल पे आ गया, आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च क्या करना है, जो भी वीडियो को वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हो, जो भी वीडियो पे व्यूज बढ़ाना चाहते हो, उस वीडियो को यहाँ पे सर्च करना अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो सिंपल आपको करना है कि यहाँ पे यूट्यूब पे आना है, यहाँ पे मेरा यूट्यूब थोड़ा मतलब लेट से लॉगिन हो रहा है, या फिर मेरा मोबाइल यहाँ पे थोड़ा हैंग करता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी मतलब कि यहाँ पे एक चैनल सर्च करता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं कोई भी चैनल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कौन सा चैनल ले लूँ, यहाँ पे चलो मैं कोई भी चैनल एक ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं ले लिया टिकटिंग या ब्लॉग ले लिया, ठीक है। तो सिंपल से मैं इस चैनल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है भाई कि यहाँ पे को मतलब सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपको वीडियो का यूआरएल कॉपी करना है, फिर जहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से कॉपी लिंक कर देना, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को बता दूँ वॉच टाइम हम लोग कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, एप्लीकेशन को सिंपल से ओपन करना है, जो कि मैंने बोला था मल्टी व्यू ब्राउजर करके आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने आपको ऑप्शन मिलेगा, तो भाई यहाँ पे थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि छत पर वीडियो बना रहा तो बगल से मतलब थोड़ा आवाज आ रहा होगा, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना टाइप का मतलब वीडियो देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग बता दो भाई, अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, एक वीडियो देखोगे एक घंटा अगर आप देखते हो ना, तो आपको एक घंटा का वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे पांच टाइप ओपन करके अगर आप एक बार में वीडियो देखोगे ना एक घंटे का, तो आपको 5 घंटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका एक बार में 5 वीडियो मतलब ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5 घंटे का वॉच टाइम आपको एक बार में बढ़ेगा, और 10 वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पे 10 टाइप ओपन करके आप देखते हो, तो यहाँ से आपका 10 टाइप अगर ओपन करते हो भाई, तो यहाँ पे 10 वीडियो प्ले होगा, तो 10 घंटे का वॉच टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से मतलब कि अपने मतलब कि यहाँ पे ओपन करके आप बहुत ही अच्छा खासा इनकम मतलब कि यहाँ पे जो मतलब वॉच टाइम बढ़ा सकते हो, व्यूज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 5 टाइप वाला ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे मोबाइल थोड़ा ज्यादा हैंग करेगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कम ही यूज करता हूँ, क्योंकि थोड़ा मोबाइल मतलब ज्यादा हैंग ना करे, आप लोग थोड़ा मतलब अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे स्किप का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल से आपको स्किप क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश, यानी कि अगर वही वीडियो को बार बार प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑटो रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको करना है कि यहाँ पे स्क्रीन स्लिप ऑफ का मतलब ऑप्शन है, यहाँ पे इसे ऑन मतलब कर देना है, और यहाँ पे करना है क्या कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो यूआरएल कॉपी किया था उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे ऐड आएगा, तो आपको ऐड को स्किप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल में ऐड आ रहा है, तो इस ऐड को मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऐड आया, इसे मैं स्किप किया,
स्किप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्किप किया और यहाँ पे देखो मेरा वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुका है, जो कि यहाँ पे इस तरह का मतलब वीडियो मेरा प्ले होगा। मैं यूट्यूब से अगर एक वीडियो देखता हूँ भाई, तो यहाँ पे एक वीडियो को मेरा मतलब एक घंटा का वीडियो रहेगा, तो एक ही मतलब कि एक ही घंटा वॉच टाइम आएगा एक बार में। और यहाँ पे अगर एक घंटे का वीडियो देखूंगा तो यहाँ पे पाँच स्टेप ओपन हो गया, तो पाँच घंटे का मेरा वॉच टाइम यहाँ पे होगा। यहाँ पे देख सकते हो पाँच से भी लगता ज़्यादा यहाँ पे ओपन हुआ, एक दो तीन चार मतलब पाँच छः मतलब कुछ ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से अगर वीडियो देखोगे तो आपका वॉच टाइम जरूर बढ़ेगा, आपका व्यूज भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप मतलब वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हो और व्यूज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मेरा पाँच वीडियो यहाँ पे प्ले होगा, तो यहाँ पे एक घंटा का वीडियो रहेगा, तो एक घंटा दो तीन चार पाँच घंटा मेरा वॉच टाइम एक बार में बढ़ेगा। और यूट्यूब से देखता हूँ तो वहाँ पे मेरा एक घंटे का वीडियो एक बार देखता हूँ, एक घंटा देखूंगा तो वहाँ से हम लोग एक ही घंटा का मतलब वॉच टाइम मिलेगा, यहाँ पे पाँच घंटे का वॉच टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप दिन भर में मतलब दूसरे दूसरे वीडियो मतलब यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाएगा दूसरा वीडियो लेना है, दूसरा वीडियो प्ले हो जाएगा तीसरा वीडियो लेना है, तो इस तरह से आप वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो, वॉच टाइम बढ़ा सकती हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।